यार नोटो हजारों बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना है, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, सारी की सारी उम्मीदें टूट चुकी है। देन लास्ट ऑप्शन दैट इज कि अब हम क्या करें, आखिरकार इन बच्चों के पास अब क्या ऑप्शन है। कह रहे यार शुरू से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं इंजीनियरिंग की। पिछले के 2 साल की अगर हम आंकड़ों की बात की जाए, IIT और NIT जैसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से 2500 से भी ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके हैं। द रीजन इज कि उनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं मिला था और उनका इंजीनियरिंग ब्रांच था केमिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ऐसे लॉट ऑफ इंजीनियरिंग, एंड बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आया। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द IIT एंड NIT टॉप कॉलेज। वेल इसका यार सॉल्यूशन क्या है अब हमारे पास, क्योंकि IIT और NIT सीटों के अंदर, जोसा के अंदर, CSAB के अंदर, जितने भी GFTI है, जितने भी IIIT कॉलेजेज है, वहाँ पे तो कुछ ही कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड टेक फील्ड्स है। मेजोरिटी बच्चों को मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल यही ब्रांचेस मिल रही है। तो अब उन बच्चों को क्या करना चाहिए, या फिर लोटो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लोअर रैंक है, जिनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। देखो यार इसका सॉल्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ कॉलेज जानकारी के बारे में। देखो यार इस साल हमने लोटो हजारों बच्चों का एडमिशन कराए गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर, वो भी काफी नॉमिनल कॉस्ट पे, एंड वो भी पिछले 6 साल से हमने हजारों बच्चों को उनके बड़े इंटरेस्टिंग कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में काफी कम काउंसलिंग फीस पे, एडमिशन फीस पे उनका एडमिशन कराया। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपका बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में डायरेक्टली एडमिशन करा देते हैं, विदाउट डोनेशन, विदाउट काउंसलिंग फीस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। हाँ हम आपकी एडमिशन फीस चार्ज करते हैं, हमारी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है हमारा काम बिल्कुल भी, हम आपको चार्ज करते हैं, लेकिन एट द एंड टिल लास्ट राउंड तक हम आपको एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करा देते हैं। खैर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, बहुत सारे ऐसे फर्जी काउंसलर है जो कि आपको 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए ले रहे हैं, ज्यादा पैसे नहीं ले रहे, 500 रुपए दे दो तुम्हें, तो मेरे से प्रेफरेंस लिस्ट ले ले, टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा तुमको, जूम पे लाइव डिस्कशन कर लेना, ऐसे बहुत सारे मार्केट के अंदर 500 रुपए के अंदर दे रहे तुमको प्रेफरेंस लिस्ट और टेलीग्राम। नहीं यार हम ना आपको प्रेफरेंस लिस्ट देंगे ना टेलीग्राम, देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन और वो कॉलेजेज और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड ब्रांचेज। आपके अगर बहुत कम मार्क्स हैं, लोअर मार्क्स हैं, जो CSAB में नहीं मिलने के चांसेस हैं, फिर भी आप अपने 44,000 रुपीज खराब कर रहे हैं या फिर 4 महीने के ट्रैक में डाल रहे हैं, देन आप एक बार हमें कॉल कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। क्योंकि यार आप जो 44,000 रुपीज डाल रहे हो वो आपको एट द एंड टिल 4 महीने बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के अंदर मिलेंगे। इनफेक्ट उन पैसों से आप बहुत सारे कॉलेजेस की फीस पे कर सकते हो अपने बच्चों की। यार मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्योंकि मेजोरिटी आज अगर हमारे देश की बात की जाए तो हाउस होल्ड इनकम बहुत कम है। 1 साल के अंदर पेरेंट्स की टोटल इनकम 1.5 लाख हो रही है, 3 लाख हो रही है, तो उनके लिए 50,000 रुपए बहुत सारी काउंसलिंग में देना वो बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। इनफैक्ट ऐसी काउंसलिंग के लिए बैंक लोन भी नहीं देता, बैंक भी लोन उस कंडीशन पे देता है कि तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, ऑफर लेटर है, कॉलेज में कंफर्म है, उस कंडीशन पे बैंक एडमिशन देता, बैंक लोन देता। वेल आपको हमने बता दिया कॉलेज जानकारी के बारे में, आप अच्छे कॉलेजेस ले सकते हो 12th मार्क्स के बेसिस पे, कम JEE रैंक है तो भी बिल्कुल फ्री नहीं है, हम काउंसलिंग चार्ज करते हैं, ठीक है। खैर आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपके लिए फ्री चांसेस भी है, ठीक है, आप उनको ट्राई कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में अगर अपन बात करें तो यार पंजाब के अंदर काफी अच्छे मिल जाते हैं तुमको, जैसा कि ज्ञानी जेल सिंह बहुत अच्छा कॉलेज है, महाराजा रणजीत सिंह हो गया, IK गुजराल हो गया, गुरु नानक देव हो गया, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो गए, चंडीगढ़ वाले कुछ कॉलेजेस को अगर छोड़ दे, जैक चंडीगढ़ वाले, तो उसके बाद में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ वाला पैक नहीं है ये, अदर है ये, ठीक है, काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है। राजस्थान में भी कुछ अच्छे ऑप्शंस है, जैसे BTU बीकानेर है, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज, CTI उदयपुर, RTU कोटा, MBM जोधपुर, बहुत लो रैंक पे 12th बेस पे आपको काफी आसानी से लोट हो जाते हैं। यार UP की अगर बात करें तो AKTU के लोट ऑफ हजारों कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत लो मार्क्स के काफी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, राजीव गांधी रायबरेली वाला आपको मिल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां के अंदर बहुत
बहुत सारी सीटें वैकेंट रहती है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में हजारों सीटें वैकेंट रहती है हर साल, और बच्चे उन तक पहुंच ही नहीं पाते। बाबा साहब गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, विक्रम यूनिवर्सिटी, ट्रिपल एम यूटी, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजेस सीओटी का स्कोर भी एक्सेप्ट करती है, या फिर आपको जेई के बेस पे, ट्वेल्थ के बेस पे दे देते हैं बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन। हाँ जी, और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डीएवी कॉलेज, एंड ऐसे मेजोरिटी में बहुत सारे हजारों कॉलेज हर स्टेट में बड़े पड़े हैं, काफी अच्छे अच्छे कॉलेज जो कि आपको काफी लो रैंक पे एडमिशन हो जाता है। इनफैक्ट यार आप ज्यादा देर ना करें क्योंकि काउंसलिंग सेशन ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं, कॉलेजों में क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। हम बिल्कुल आपको लो कॉस्ट पे आप बहुत अच्छा कॉलेजेस अलॉट करा देते हैं। आपके अगर बहुत लो मार्क्स है, आप बहुत सारे पेरेंट्स क्या होता है उनको नॉलेज ही नहीं होता, भैया हम तो गांव से हैं, राजस्थान बिहार झारखंड अदर अदर स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, अब उनको कॉलेज अलॉट ही नहीं होता, बच्चों का एक एक साल बर्बाद हो जाता, भैया क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पर ले कहाँ पर नहीं ले, कोई बताने वाला भी नहीं है, और हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वेल, इसका सॉल्यूशन कॉलेज जानकर एक आपके लिए बहुत बड़ा एक मजबूत पुल बन सकता है। खैर यार, थोड़ा अगर बात करें महाराष्ट्र के अंदर, आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, आप महाराष्ट्र की तरफ भी जा सकते हो। और भी कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में करते हैं ना बहुत सारे बच्चे सवाल, मेरी इतनी रैंक है, मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो क्या कितना ज्यादा अनएजुकेशन है रिगार्डिंग दिस प्रोसेस।